Hello, students. I welcome you all to today's session. I hope everybody is doing perfect at their places. So, today's topic is germination of plants. Learning topics reproduction through seeds, structure of a seed, germination of seeds, ideal conditions for germination, dispersal of seeds, reproduction without seeds, plants native to other places.

Plants are also living things. Plants produce new plants like themselves so that their species remain on the earth. This process is called reproduction. Reproduction in plants can occur in a number of ways. Most of the plants reproduce from seeds, while some of them reproduce through their other parts like roots, stems, or leaves. यानी कि प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं ताकि बिल्कुल अपने जैसे ही यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं ताकि अर्थ पे उनकी जो स्पीशीज हैं वो कंटिन्यूड रहे और प्लांट्स जो अलग अलग तरीकों से रिप्रोड्यूस करते हैं उसको कहा जाता है रिप्रोडक्शन कुछ सीड्स के थ्रू करते हैं कुछ अपने ही पार्ट्स के साथ मिलकर करते हैं जैसे रूट्स हो गया स्टेम्स हो गया ब्रांचेस हो गई लीव्स हो गई अलग अलग पार्ट्स के थ्रू reproduction through seeds most plants reproduce through seeds a seed is a small round or oval object new plants grow from seeds a seed contains a food store that can provide nutrition to a new baby plant seeds of a plant can be found inside the fruit flowers play an important role in the reproduction cycle of प्लांट्स तो सीड्स के थ्रू ऐसे होता है कि आपके फ्लावर्स या फिर आपके जो फ्रूट्स होते हैं उसमें सीड्स होते हैं तो जैसे ही आप वो फ्रूट खाएंगे वो फ्रूट फेंकने के बाद जो सीड बचता है उस सीड से अपने आप वो सेम प्लांट निकल आता है तो सीड्स के थ्रू रिप्रोडक्शन इस तरीके से होती है यू नो दैट द इंसेक्ट्स फीड ऑन द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स बाई फीडिंग ऑन अ फ्लावर पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर्स गेट स्टक टू बॉडी when the insects move to the stigma of a similar flower the pollen grains fall on the stigma the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of a flower is called pollination after some time when pollen grains have fallen on stigma a small tube known as pollen tube comes out of a pollen grain and grows through the style to reach the ovary when the pollen tube reaches the ovary fertilization takes place the cells in the pollen tube fuse with the ovules. After fertilization, the ovules start growing into seeds and the ovary as a whole becomes a fruit. As the fruit matures, the petals dry up and fall off. Yani ki se आपका जो रिप्रोडक्शन है वो होता है जो फ्लावर्स या कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो नेक्टर पे फीड करते हैं जैसे ही वो उन उनपे स्टिक करते हैं जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो उनके बॉटम पार्ट पे स्टिक हो जाते हैं एंथर से उनके पास चले जाते हैं फिर दूसरे फ्लावर में जब वो जाते हैं तो दूसरी चीज के साथ जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर्स में प्लांट्स में उसके साथ स्टिक करते हैं फिर सेम तरीके से ओवरीज में ओव्यूलेट करते हैं फिर फर्टिलाइजेशन होता है नया प्लांट होता है ये जो सीड्स हैं, जब मच्योर हो जाते हैं तो यही जो ओवरीज या ओव्यूल्स होते हैं ये ओव्यूल्स मच्योर होके एक फ्रूट बन जाते हैं उसके बाद ड्राई अप होके फिर फॉल हो जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड अ सीड कंटेन्स द बेबी प्लांट कॉल्ड एम्ब्रियो

Seeds may be of different sizes and kinds, की सीट की अपनी एक कोटिंग होती है जिसमें ये एनर्जी या फिर प्रोटीन्स मिले हुए रहते हैं दउट अ कवरिंग ऑफ द सीट इज कॉल्ड सीड कोट ओपन टू पार्ट ऑफ द सीट एंड ऑब्जर्व द माइन्यूट पार्ट इन साइड इट यानी कि जो सीट की कवरिंग होती है उसको सीड कोट कहते हैं जैसे ही आप इसको अलग करेंगे तो आपको बहुत छोटे छोटे सीट के पार्ट दिखाई देंगे The seed coat protects the seed. On one side of the seed, you will see a long scar where the seed was attached to the pod. At the top of the scar is a tiny hole called micropyle through which water enters the seed. The two fleshy parts of the seed are cotyledons. दे प्रोवाइड फूड फॉर द ग्रोइंग प्लांट यानी कि सीड के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं एक ऐसा पार्ट होता है जिसके थ्रू आपका जो अपना पानी है न्यूट्रिशंस है सीड वो लेता है दूसरा आपका जो फ्लैशी पार्ट होता है सीड का उसको कॉटिलेडन कहा जाता है जो बाकी सारे प्लांट में जब सीड प्लांट बन जाता है उसके बाद बाकी सारे पार्ट ऑफ द प्लांट में वो खाना और पानी सप्लाई करता है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स वेन अ सीड बिगिन दैट इट इज जर्मिनेटिंग द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ सीड इन टू अ बेबी प्लांट इस कॉल्ड जर्मिनेशन सीड्स नीट ऑक्सीजन मॉइस्चर टेम्परेचर एंड लाइट फॉर जर्मिनेशन यानी कि जब सीड्स एक बेबी प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है इसको जर्मिनेशन कहा जाता है द डिवेलपमेंट ऑफ अ सीड इंटू अ सीडलिंग इज नॉट अगल स्टेप प्रोसेस बिफोर ग्रोइंग इंटू अ फुली ग्रोन प्लांट अ सीड हैज टू गो थ्रू अ नंबर ऑफ स्टेजेस यानी कि सीड से बेबी प्लांट और बेबी प्लांट से ग्रोन अ प्लांट में जो प्रोसेस होता है ये वन स्टेप प्रोसेस नहीं होता मल्टीपल प्रोसेसेस के बाद एक सीड जो है बड़े प्लांट में कन्वर्ट होता है These stages are as follows. A seed is sown in the soil. दॉइल में गाड़ा जाता है daily so that it remains moist and the seed coat can be broken easily. It gets air from the atmosphere and warmth from the sun. उसके बाद इसमें पानी डाला जाता है ताकि जो seed coat है वो आसानी से निकल जाए उसमें से baby plant बाहर निकले अलग अलग टाइप की आपके खाद डाली जाती है सनलाइट में उसको water किया जाता है और इस तरीके से आपका जो एक सीड है वो बेबी प्लांट में कन्वर्ट होता है

रूट्स uh, निकलते हैं तो ये एक अलग बड़े प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है ग्रो हो जाता है आइडियल कंडीशन फॉर जर्मिनेशन फॉर जर्मिनेशन सीड्स नीड थ्री थिंग्स यानी कि जर्मिनेशन के लिए तीन चीजें हैं जो सीड्स के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। water seeds soak water from the soil water softens the seed coat so that the baby plant can come out sabse pehle pani ki zarurat hai jiski madad se soil mein jab aap dalenge seed absorb karega aur seed coat tootega oxygen germinating seeds need oxygen to breathe यानी कि जो germination के प्रोसेस में होते हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है सांस लेने के लिए टेम्परेचर अ टेम्परेचर हेल्प्स टू कीप द सीड्स एक्टिव यानी कि एक गर्म टेम्परेचर सीड्स को हेल्प करता है ग्रो करने के लिए और एक्टिवेट होने के लिए Seeds can germinate even in the dark. They do not need sunlight to germinate because baby plants get food from seed leaves. But seeds cannot germinate without a warm temperature. यानी कि जब seed एक छोटा seed होता है, वो अंधेरे में, यानी कि बिना sunlight के भी grow कर सकता है, क्योंकि वो अपना खाना soil से लेता है. Dispersal of seeds. Plants cannot move by themselves if The seeds simply fell and grew beneath the parent plant. They would be overcrowded and there would not be enough nutrients for each plant. So, it is important that the seeds are dispersed over a wide area where they get enough sunlight, air, water, and space to grow. Scatching ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम the मदर प्लांट is कॉल्ड सीड डिस्पर्सल यानी कि आपके जो सीड जब आप इनको सॉइल में डालते हैं तो important है कि इनको एक साथ ना डालें और अलग अलग जगहों पे डिस्पर्स कर दें अगर आप इनको एक साथ डालेंगे तो इनको ग्रो करने की जगह भी नहीं मिलेगी पानी भी ढंग से नहीं मिलेगा एयर भी नहीं मिलेगी ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा तो इस वजह से वो ओवर क्राउडेड हो जाएंगे और ढंग से ग्रो नहीं कर पाएंगे तो इसी प्रोसेस को जहाँ पे सीड्स को एक आ, स्पेस में डिवाइड करके डाला जाता है फेंका जाता है उसको कहा जाता है सीड डिस्पर्जल सीड्स हैव स्पेशल फीचर्स व्हिच हेल्प देम टू डिस्पर्स आल्सो देर आर सम अदर फैक्टर्स व्हिच हेल्प देम टू डिस्पर्स दीज फैक्टर्स कैन बी विंड वाटर, एक्सप्लोजन एनिमल्स ह्यूमन बींग्स एटसेट्रा जल तो इसके अलावा अलग अलग फैक्टर्स जैसे कि आपकी हवा हो गई पानी हो गई एक्सप्लोजन हो गया ये सारे फैक्टर्स भी होते हैं जो सीड डिस्पर्जल को एक्टिवेट करते हैं या फिर स्टार्ट करते हैं की फैक्ट सीट कैन रिमेन इन एक्टिव फॉर मेनी ईयर्स इट विल स्टार्ट जर्मिनेटिंग ओनली वेन इट गेट्स द राइट कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन यानी कि एक सीट जब आप उसको सॉल में डालते हैं बहुत सालों तक वो बिना जर्मिनेशन की रह सकता है और तभी जर्मिनेट होगा जब उसको आइडियल कंडीशंस मिलेंगी विंड सीट्स विच आर स्कैटर्ड बाय विंड आर यूजअली स्मॉल एंड लाइट

तो ऐसे जो सीड्स जो हवा के थ्रू डिस्पर्स होते हैं ये बहुत ही लाइट होते हैं जैसे कि आपका हो गया कॉटन या फिर डांडेलियन वाटर सीड्स ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो इन और नियर फ्लोइंग वाटर आर यूजुअली डिस्पर्स बाय वॉटर दीज वाटर फॉर एग्जाम्पल लोटस एंड कोकोनट द कोकोनट फ्रूट हैज एयर ट्रैप बिटवीन इट्स हस्क दिस मेक्स इट लाइट एंड ईजी टू फ्लोट वाटर कैरीज दीज फ्रूट्स एंड सीड्स टू फार ऑफ प्लेसेस कुछ ऐसे आपके प्लांट्स होते हैं जैसे कि कोकोनट हो गया लोटस हो गया ये पानी के अंदर या फिर पानी के आसपास ग्रो करते हैं तो ऐसे जो फ्रूट्स uh, होते हैं या फ्लावर्स होते हैं इनके सीड्स भी वाटर के थ्रू ही डिस्पोर्स होते हैं अलग अलग जगहों पर एक्सप्लोजन Fruits of plants such as balsam, pea, geranium and touch me not burst open or explode when they are dry. The seeds get thrown off and are scattered away from the mother plant. यानी कि जैसे आपका balsam हो गया, pea हो गया, ऐसे जो plants होते हैं ये burst, explode कर जाते हैं और उसके बाद इनके जो seeds होते हैं वो अलग-अलग जगह dispose हो जाते हैं, disperse हो जाते हैं. animals. We enjoy eating fleshy fruits such as mango, papaya, cherry and guava. After eating, we throw the seeds away. This is one way of helping the plants to disperse the seeds. यानी कि ऐसे जो fruits होते हैं जैसे आपका papaya हो गया watermelon हो गया mango हो गया जिसमें seeds होता है usually आप खाने के बाद इन्हें फेंक देते हैं तो जहाँ पर आप फेंकते हैं वहाँ पर अगर ideal conditions होंगी तो उसी का plant वहाँ पर grow कर जाता है तो ये भी एक तरीका है seed dispersal का Sometimes birds and animals eat the seeds along with the fruit the seeds are small and hard and they come out of their body as waste ready to grow seeds of guavas and berries are dispersed in this way कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो कुछ फ्रूट्स के जो सीड्स होते हैं छोटे होते हैं हार्ड होते हैं उनको एज इट इज खा लेते हैं और फिर जब उनका वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसमें ये सीड्स निकलते हैं एंड दे आर रेडी टू ग्रो तो इस तरीके से भी डिस्पर्सल चालू रहता है Reproduction without seeds. Some plants can also multiply without producing seeds. Have you ever wondered why some plants have flowers while others do not? Or how those plants grow which bear fruits without seeds? The plants which do not have seeds produce their own kind with the help of their roots, stems, and leaves. दिस काइंड रिप्रोडक्शन इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यानी कि कुछ ऐसे फ्लावर्स या फिर फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल्स होती हैं जिनकी सीड्स नहीं होती हैं तो ऐसे प्लांट्स अपने यंग वंस रूट्स लीव्स या फिर स्टेम्स के थ्रू जर्मिनेट करते हैं और इस टाइप के रिप्रोडक्शन को कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन reproduction from roots plants like sweet potatoes dahilas carrot radish and turnip grow new plants from roots If you cut the top portion of a carrot and plant the carrot in the ground, new plant will grow from it. यानी कि जैसे आपका carrot हो गया radish हो गया onions हो गए sweet potato हो गया इसको जब आप ऊपर से काटते हैं उनकी जड़ों को वहीं छोड़ देते हैं या दोबारा उगा देते हैं तो आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद वहां से वही प्लांट निकल आएगा तो रूट्स के थ्रू इस तरीके से रिप्रोडक्शन होती है रीप्रोडक्शन फ्रॉम स्टेम्स सम प्लांट्स कैन रिप्रोड्यूस Onion स्टेम potato एंड two आर टू सच प्लांट्स ginger एंड जिंजर आर अंडरग्राउंड स्टेम्स दे हैव आइज ऑन देम एंड एनी पीस ऑफ वेजिटेबल eye ग्रो grow into न्यू plants. जैसे कि आपका आलू हो गया उसकी जो छोटी छोटी आप उसमें गड्ढे दिखाई देंगे जिनको आइज कहा जाता है तो उसके थ्रू भी आपके नए प्लांट या नया पटेटो निकल के आ सकता है तो इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्टेम्स के थ्रू होता है

Many plants found in India have come from other countries. Mughal rulers were credited for introducing a variety of plants such as cherries and grapes from Afghanistan and Iraq. Mughal emperor Jahangir imported the famous Chinar tree from Iran and planted it in Kashmir. Yani ki alag alag country se bhi hamari country mein plants ko import ki, Mughal emperor tha unhone Chinar tree ko Iran se hamari country mein import karaya tha. Alag -alag type fruit, ki fruits jaise ki हो गई ये भी मुगल एंपयर को ही क्रेडिट करा गया है हमारी कंट्री में चेरी को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए द पोर्टुगीज इंट्रोड्यूस्ड मेज ग्राउंड नट चिली पटेटो स्वीट पटेटो गुआवास्टर्ड एपल पाइनएपल यानी कि पोर्टुगीज ने स्वीट पटेटो पटेटो कस्टर्ड एप्पल ग्वावा जैसे फ्रूट्स को इंट्रोड्यूस करवाया है

Tea is grown in huge tea gardens. Special type of warm climate with enough rainfall is needed for growing tea. In India, tea gardens are found in Assam, West Bengal, Himachal Pradesh, Kerala, and Tamil Nadu. हाउ एवर टी वॉज फर्स्ट ग्रोन इन चाइना द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड इट टू इंडिया एज वेल एज इन देयर ओन कंट्री यानी कि चाय जो चाय है वो सबसे पहले चाइना में बनाई गई थी और उसके बाद ब्रिटिशर्स ने उसको इंडिया में और अपनी कंट्री में इंट्रोड्यूस करवाया तो स्टूडेंट हियर कम्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर आई होप आपको इन चीजों के बारे में इन्फॉर्मेशन आज मिल गई होगी इसके जितने भी एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन है यू हैव टू डू इट योर सेल्फ